हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद, जिसका नाम है बालकांड। तो पहले अध्याय कंटेंट्स ऑफ द रामायण सिंबाइज श्लोक संख्या 45। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान रामचंद्र जब भरत महाराज को भेज दिए वापस चित्रकूट से, वापस को समझा बुझा के भेज दिए, ना चाहते हुए भी भरत महाराज को जाना पड़ा। भगवान रामचंद्र बड़े भाई, आज्ञा पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन रामचंद्र भगवान को भी बहुत प्रयास करना, बार बार आया है इसमें सप्ताह। नारद मुनि बोलते हैं भगवान रामचंद्र को बार बार उनको बारंबार उनको भेजना पड़ रहा था, वो तो जाने को तैयार नहीं थे। फिर फाइनली भगवान रामचंद्र को बोलना पड़ा कि ये मैं पादुका आपको देता हूँ, मेरा प्रतिनिधित्व। तो अपने प्रतिनिधि को पादुका के रूप में भेजे और जाके, ठीक है आपका अगर यही इच्छा है तो आप जाओ, ये पादुका जो तो राजा बनाओ और राज्य करो। तो आज्ञा प्राप्त करके भरत महाराज निकल गए। गते तु भरते श्रीमान, भरत महाराज के जाने के पश्चात श्रीमान सत्य संधो जितेंद्रिया, भगवान रामचंद्र को गुण बताया गया है। भगवान रामचंद्र श्रीमान है यानी स्प्लेंडरस यानी तेजस्वी है, सत्य संधो मतलब सत्य पे कायम रहते हैं, जितेंद्रिया अपनी मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयम करते हैं। ऐसे भगवान राम अस्तु पुनरालक्ष्या, भगवान रामचंद्र विचार करने लग गए कि नागरस्य जनस्य चा तत्र आगमनम पुनर पुनर तत्र आगमनम नागरस्य जनस्य, यानी अयोध्या के नगरवासियों का पुनर फिर से आगमन हो सकता है, क्योंकि भरत महाराज अकेले नहीं आए थे, तो अपना सैन्य बल लेके आए थे और अंडरस्टूड है कि अयोध्या वासी भी पीछे पीछे आए गए होंगे। भगवान रामचंद्र नहीं चाहते थे कि वापस से ये अयोध्या वासी वापस से बार बार आए और विनय निवेदन करें। भगवान राम को भी तकलीफ होती है ना, तकलीफ होगा कि बार बार इनको मुझे भेजना पड़ेगा। भगवान भी जिस प्रकार से भक्त भगवान के विरह को सहन नहीं कर सकता, भगवान भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन भगवान सत्य संधो, यहाँ पे लिखा हुआ सत्य संधो मतलब कि सत्य पे निष्ठ, एक तरफ से वो अड़िग है पूरी तरह से, वो जाने तो वाले नहीं, वनवास तो करने ही वाले। इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि बार बार अयोध्या वासियों को कष्ट हो, वो आएंगे। तो इसलिए भगवान डिसाइड किए कि एकाग्रो पूर्ण रूप से, एकाग्रो मतलब एकाग्रता के साथ यानी पूरा दृढ़ निश्चय के साथ, दंडकान प्रविविशे विवेश, दंडकारण्य जंगलों में प्रवेश कर गए। तो चित्रकूट से आगे निकल पड़े और जैसे ही दंडकारण्य में प्रवेश किए, ये भी कर लिए 40 नंबर श्लोक में चर्चा किए थे, प्रविश्य तु महारण्यम रामो राजीव लोचन, कौन रामचंद्र राजीव लोचन, राजीव लोचन कमल नयन लोटस आइड। जैसे ही उस महारण्य महान जंगल में प्रवेश किए, तो वहां पहुंचते ही विराधम राक्षसम हत्वा, विराध नाम के बहुत ही भयानक राक्षस का वध कर दिए और सर्वभंगम ददर्शहा, सुतीक्षणम चापि अगस्त्यम चा अगस्त्य भ्रातरम तथा, और सर्वभंग सुतीक्षण अगस्त्य मुनि और अगस्त्य के छोटे भाई से भेंट करते, मुलाकात करते। अब तत्पश्चात आज के श्लोक वर्णन कर रहे हैं कि अगस्त्य वचना चैवा जग्रहा इंद्रम सरासनम खड़गम चा परम प्रीतस्तूणि चाक्षय सायकौ। इट वॉज बाय द ऑर्डर ऑफ अगस्त्य दैट रामा एक्सेप्टेड विद ग्रेट हैप्पीनेस अबोव सॉट एंड टू क्यूवर्स विच कुड प्रोड्यूस अनलिमिटेड एरोस विच इंद्रा हैड गिवन। तो यहाँ पे मतलब ऐसा पता चलता है, क्योंकि पिछले श्लोकों में जब भगवान रामचंद्र वनवास के लिए निकले, तो ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान अपने साथ साथ हथियार वगैरह लेकर चले। वनवास भेष में गए,
भगवान रामचंद्र विचार किए कि ऐसे ऐसे वनों में जाऊंगा मैं। इसलिए भरद्वाज ऋषि के पास जब गए तो उनको ये विरोध अनुरोध भी किए भगवान रामचंद्र कि मुझे वो जगह बताइए जहाँ पे मुझे ऋषि मुनियों का संग प्राप्त, ऐसा उचित स्थान बताइए। तो भरद्वाज ऋषि के कहने पे ही भगवान रामचंद्र चित्रकूट आ गए, क्योंकि चित्रकूट बहुत ही परम पवित्र स्थान है जहाँ पे कई हजारों हजारों वर्षों से बहुत महान महान ऋषि मुनि लोग रह के तपस्या करते थे भगवान का स्थान। तो इसलिए भगवान रामचंद्र जी आए थे वहां पे उनका संग प्राप्त करने के लिए, इसलिए तीर धनुष का आवश्यकता नहीं। या लाए भी होंगे तो कुछ नॉर्मल लिए होंगे हथियार हुए, लेकिन ऐसा वर्णन नहीं प्राप्त। लेकिन अब यहाँ पे अगस्त मुनि तो पिछले श्लोक में विराधम विराध नाम के असुर का वध किए, तो इससे भी पता चलता है कि कुछ तो लेके चले थे, लेकिन स्पेशल अभी हथियार चाहिए। अगस्त मुनि को पता होगा कि अभी आगे क्या क्या होने वाला, रावण को वध करना है। तो अगस्त मुनि और भी जंगलों में भी कई असुरों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये दंडकारण्य फॉरेस्ट कैसा है, महारण्य। महारण्य मतलब बहुत विशाल जंगल, विशाल जंगलों में तो बड़े बड़े असुर भी मिल सकते हैं। इसलिए अगस्त महाराज अगस्त मुनि के आज्ञा पे भगवान रामचंद्र स्वीकार किए। आइंद्रम सरासनम खड़गम चा परम प्रीतः, बड़े आनंद के साथ इंद्र के द्वारा दिया हुआ जो धनुष बाण था जो इंद्र ने अगस्त ऋषि को दिया था, और उसकी खासियत क्या थी कि उसका जो तीर है क्विवर, क्विवर को क्या बोलते हैं, पीछे जो क्यूवर होता है तूणी, संस्कृत में तूणी बोला गया है, पीछे जो तीर को रखने का जो आश्रय स्थान, तो उसकी खासियत ये थी कि उसपे कभी भी ये जो तीर है ना खत्म नहीं होता, इतना भी तीर निकालेंगे और तीर प्रकट हो जाएंगे, अनलिमिटेड असीमित मात्रा, ये खासियत थी। और एक तलवार भी दिए और साथ में एक धनुष, दो तीर और तीर को रखने वाला जो तूणी होता है वो प्रदान। रामचंद्र है बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करते हैं और उसका फिर इस्तेमाल आगे करेंगे जब वो आएंगे। हरदूषण 14,000 असुरों को लेके आए भगवान रामचंद्र का वध किए, तो 14,000 तीर तो लेके नहीं चल सकते, राज्य में तो है नहीं, वन में है, इसलिए सब अगर ऋषि जानते कई असुरों का वध करना है तो इसलिए भगवान राम को ऐसा देना चाहिए कि असीमित मात्रा में तीर उपलब्ध रहे जब जरूरत डिलीवरी टाइम पे हो जाए। रामा वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर ही इज द सुप्रीम हीरो ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एंड ही ऑब्टेन्ड अ वीपन सूटेड टू हिम। रामा डिड नॉट आस्क अगस्त्य फॉर द वीपन, अगस्त्य हिमसेल्फ गेव देम टू हिम। इंडीड अगस्त्य हैड नॉट इवन टच देम, ऐसा प्रतीत होता है कि अगस्त्य मुनि ने इसको ना तो किसी और को दिया था आज तक, ना खुद इस्तेमाल किए। इंद्र के द्वारा प्रदान किया हुआ ये अस्त्र शस्त्र संभाल के रखे थे, यानी दैट मीन्स इसका मतलब है कि भगवान रामचंद्र के द्वारा ही इस्तेमाल करना हथियारों, और भगवान रामचंद्र के लिए ही वो पूर्ण रूप से जो है सूटेड। इस प्रकार से अगस्त मुनि के कहने पे की आज्ञा पर भगवान रामचंद्र स्वीकार कर, फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरे सह ऋषियो अभ्यागमन सर्वे बधाय सुर रक्षसा बधाय असुर रक्षसा असुर रक्षसा। While Rama resided in that forest, all the sages along with the forest dwellers approached him with a prayer to kill the Asuric Rakshasas who had obstructed their performance of the day. जब भगवान रामचंद्र के दंडकारण्य जंगलों में निवास कर रहे थे तो धीरे धीरे खबर पहुंच गई, उस समय कोई नेटवर्क तो नहीं था जंगलों में, व्हाट्सएप या ईमेल यूट्यूब ये सब नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ तो विशेष कम्युनिकेशन का कुछ तरीका रहा हो। सारे ऋषि मुनि लोग आ गए,
ये जंगल कोई छोटा मोटा जंगल नहीं, ये लगभग मान लीजिए चित्रकूट से प्रारंभ होकर के, चित्रकूट को छोड़ के वहां निकले तो चित्रकूट से लेकर के साउथ इंडिया तक पूरा दंडकारण्य जंगल, बहुत विशाल जंगल, इसीलिए महारण्य इसको बोला, इतना विशाल और बहुत घना भी। इसके चित्रकूट क्रॉस करके भगवान रामचंद्र कुछ जंगल क्रॉस करके कहीं पे पहुंचे होंगे, जहाँ पे अगस्त्य ऋषि का से मुलाकात हुई, तो वहां पे कहीं भगवान रामचंद्र निवास कर रहे होंगे, लेकिन ये खबर हर जगह पहुंच गई पूरे वन में, और जितने भी सेजेस हैं ऋषि मुनि थे उन सबको पता चल गया भगवान रामचंद्र यहाँ पे विद्यमान है, तो वो उनके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। वसतस्तस्या, वसतस मतलब वसतः, यानी कहीं पे भगवान रामचंद्र स्थित हो गए, जैसे चित्रकूट में स्थित हो गए तो कहीं दंडकारण्य में भी स्थित हो गए। वसतस्य तस्य रामस्य वने वनचरय सह ऋषया अभ्यागमन सर्वे, ऋषया सारे, सर्वे ऋषया सारे ऋषि मुनि अभ्यागमन खुद आए चल के भगवान रामचंद्र के पास वनचरय सह, और अपने जितने भी उनके साथ संगी लोग थे जंगल में रहने वाले उनके साथ वो भी आए, और किस लिए आए, अभ्यागमन वधाय असुर राक्षसाम, असुरों को तो जितने भी राक्षस लोग थे उनको वध करने के उद्देश्य से वो प्रार्थना करने के लिए पहुंच गए। तो ये भी कारण है, और रामचंद्र जानते थे इसलिए चित्रकूट को छोड़ के वो आगे बढ़ चले, एक कारण था कि अयोध्या वासी वापस ना आ जाए दूरते दूरते, फिर से अनुरोध करने के लिए कि चलिए भगवान रामचंद्र, इसलिए उसको भी अवॉइड करना चाहते थे। और दूसरा भगवान रामचंद्र को मालूम था दंडकारण्य फॉरेस्ट में बहुत सारे उनके भक्त ऋषि मुनि हैं उपस्थित, जो तपस्या में लगे हुए हैं, योग साधन कर रहे हैं, लेकिन ये असुर लोग की प्रवृत्तियां होती जो डिस्टर्ब करते तो उनको की के ऐसे असुरों से बचाव के लिए होते हैं। द सेजेस अप्रोच राम आर गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू बीट देम, दिस इन टर्न वाज फेवरेबल फॉर हिज डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर ऑब्स्टेकल्स दियर सरेंडर एंड दिस इज पॉइंटेड आउट इन दिस वर्स, इस श्लोक में ये बताया गया। कि जो भक्त होते हैं भगवान को समर्पण करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, जो प्रयास करते हैं भक्ति का साधन, तो उनके जीवन में जो विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, उसका भी निराकरण कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। इसलिए भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त होने के लिए भगवान का ही आश्रय लेते हैं, किसी का आश्रय नहीं लेते। तो जब भी किसी के जीवन में मुसीबतें आए तो उसका क्या व्यवहार रहता है उससे पता चलता है कि वो भक्त है या अभक्त। अगर किसी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत धर्म का कार्य करे, हाँ ठीक चल रहा है, अच्छा, लेकिन जब कठिनाई आती है, तब टेस्ट होता है, उस समय वो इस देश समाज के लोगों का, नेता का, या अपने खुद की बुद्धि का, अपने सगे संबंधियों का, या यहाँ तक कि देवी देवताओं का आश्रय लेता है क्या, या भगवान हरि का आश्रय, उससे पता चलता है कि वो वास्तव में जीवन का लक्ष्य उसका भक्ति करने का था या कुछ और प्राप्त करना। जिसका जीवन का लक्ष्य भक्ति करने का, जैसे यहाँ पे वर्णन है कि जो ऋषि मुनि लोग दंडकारण्य जंगल में थे, जिनका उद्देश्य क्या था, वहां पे क्यों थे, वो भगवान रामचंद्र को समर्पण करना चाहते, उनकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते जाने का यही उद्देश्य उनका था, इसलिए वो भगवान राम का आश्रय लिया। इसी प्रकार से जो सिंसियर भक्त होते हैं, जो ईमानदार, जो असली भक्त होते हैं, जिनका इच्छा रहता है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना, तो वो अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते, जब कभी बाधाएं भी आ जाए जीवन किसका आश्रय लेते हैं, भगवान राम का आश्रय और हरि का, कृष्ण का आश्रय लेते। सो राम वॉज इन दैट फॉरेस्ट दैट इज सरभंगाज फॉरेस्ट, सरभंग भी एक ऋषि के जंगल में, कि जैसे ही विराध विराध का वध किए
और तुरंत भी सर्वंग जी से मुलाकात हो गया। अगस्त ऋषि भी वहां पे थे और अगस्त के भाई भी से मुलाकात हुआ, और अगस्त ऋषि से सारे दिव्य अस्त्र को प्राप्त करके मोहन रामचंद्र वहीं पे कहीं अपना निवास स्थान बनाया। लक्ष्मण जैसे चित्रकूट में कुटिया बनाया। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बस इतना वर्णन है कि वसतः तस्य रामस्य वने, उस वन में भगवान जो है रहने लग गए। राम लक्ष्मण जी का सेवा पूरी तरह से करते थे, तो उस फॉरेस्ट में रह रहे थे। दिस विल बी कंफर्म लेटर ऑन। सर्वंगाश्रमे राम अभिजगमुश्चतापसः, जैसे टिक सेट सर्वंगाज आश्रम अप्रोच लॉर्ड रामा टू सरेंडर एंड, रामायण के तीसरे स्कंद में मिलेगा अरण्य कांड और डिटेल में। ये जो अध्याय है बाल कांड का पहला अध्याय, इसमें बस सार रूप में पूरा रामायण बता रहे हैं, इसलिए जस्ट यहाँ पे इतना मेंशन है कि भगवान रामचंद्र उस वन में निवास कर रहे हैं, सारे ऋषि मुनि लोग आकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन तीसरे स्कंद से पता चलता है वो आश्रम सर्वंग ऋषि का ही वो जंगल था, वहां पे भगवान रामचंद्र निवास कर रहे हैं। दीज वर द वैखानस वालिखियलास एंड अदर सेजेस, वो नाम पे लिखे हुए कि अलग अलग प्रकार के जो न्याय थे प्राप्त। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर रिजाइडिंग इन दैट इन द फॉरेस्ट ऑफ चित्रकूट एंड बाय द पंपा, पंपावन निवासानाम हनुमंदाकिनीम चपि चित्रकूटालयानाम च क्रियते खंडनम महत्। ये भी तीसरे स्कंद में वर्णन है। द सेजेस टोल्ड राम द राक्षस आर ऑल्सो इन्फ्लिक्टिंग ग्रेट वायलेंस अपॉन द रेसिडेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट बाय द पंपा एंड मंदाकिनी एज वेल एज दोस्ट रिसाइडिंग एट चित्रकूट। यानी चित्रकूट से भी ज्यादा दूर नहीं गए थे, और चित्रकूट से क्रॉस करके जस्ट प्रवेश ही किए थे इसी जंगल में, और सर्वभंगा जी का जंगल, सर्वभंगा ऋषि जंगल में। इससे चित्रकूट के भी जो ऋषि मुनि थे वो लोग भी आए, और वो भी बताया कि ये जो राक्षस हैं ये दंडकारण्य फॉरेस्ट में और यहाँ चित्रकूट तक इसका प्रकोप चलता है, ये आतताई कार्य चलते हैं, तो आप कृपा करके इनका वध कर लीजिए। ऐसा दोज राक्षस आज हैड डिसरिगार्डेड लॉर्ड राम एंड टॉर्मेंटेड द सेजेस एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। द सेजेस ऑफ डंडा फॉरेस्ट विल इन्फॉर्म लॉर्ड रामा ते वयम भवता रक्षया भवद विषय वासिनः नगरस्थो वनस्थोपा त्वं न राजा जनेश्वरः। वी रिसाइड इन योर टेरिटरी देयर फोर यू शुड प्रोटेक्ट अस, वेदर यू रिसाइड इन द सिटी और द फॉरेस्ट यू आर आवर किंग एंड रूलर। बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं भगवान रामचंद्र, तो ऐसे ही परम दयालु है, इसमें कोई संशय नहीं है। और स्पेशली विशेष रूप से अगर ब्राह्मण ऋषि मुनि आते हैं रक्षा की गुहार लगाते हुए प्रार्थना करते हुए, तो रामचंद्र बहुत आतुर है तो पूर्ण सहयोग सहायता करने के लिए। लेकिन ऋषि मुनि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वयम भवता रक्षया भवत विषय वासिनः, कि हम वी डिजर्व टू बी प्रोटेक्टेड बाय यू, यानी हम आपके द्वारा पालित होने के योग्य हैं, आपके द्वारा रक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि हम आपकी प्रजा हैं, भवद विषय वासिना। ऐसा नहीं कि आप बस सिटी अयोध्या के राजा हैं, आप अयोध्या के इर्द गिर्द जो भी जंगल है उसके भी आप राजा हैं, और हम आपको ही अपना राजा मानते। इसलिए नगरस्थो वनस्थो वा, चाहे नगर में रहें आप या वन में रहें, आप सबके द्वारा रक्षा को प्रदान करने के योग्य हैं, समर्थ हैं, इसलिए हम आपका आश्रय लेते हैं। त्वम न राजा जनेश्वरः, त्वम नु राजा जनेश्वरः, आप ही हमारे राजा हैं और जन जन यानी नागरिकों के रक्षक ईश्वर है, कंट्रोलर है, तो आप कृपा करके रक्षा प्रदान करें। ये तरीका होता है भगवान को जब हम प्रार्थना अर्पण करें, भगवान से कुछ अनुरोध करें, तो डायरेक्ट बस नहीं बोलना चाहिए कि हमारा ये समस्या है आप रक्षा कर दीजिए, ये तो धंधा थोड़ी ना करने जा रहे, भगवान बाध्य थोड़ी ना है, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। भगवान आप हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे राजा हैं, जैसे आप बोल रहे आप हमारे राजा हैं और हम आपके ऊपर निर्भर हैं,
आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप बाध्य भी नहीं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप कृपा करके हमारी रक्षा करें। और कैसी रक्षा? शरीर की रक्षा, शरीर की रक्षा, मन की रक्षा, मन की रक्षा। ठीक है, शरीर की रक्षा, मन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन जो भक्त होते हैं वो उसकी प्रार्थना नहीं करते। धन संपत्ति की रक्षा, सगे संबंधियों की रक्षा, किसकी रक्षा, किसकी रक्षा बताइए? हाँ, आत्मा की रक्षा। आत्मा तो कभी नष्ट होगी नहीं। आत्मा की रक्षा मतलब आत्मा जो भक्ति करता है भगवान के प्रति, भक्ति की रक्षा करी, वो रक्षा मांग रहे हैं। ऋषि मुनि लोग ऐसा नहीं कि ये लोग अपने शरीर मन से डरे हुए, इतने उच्च कोटि के होते हैं, इनका कोई वध भी कर दे इनको कोई फर्क नहीं पड़े, वो प्रॉब्लम समस्या नहीं है। लेकिन असुर लोग, जब आतताई लोग धर्म के विनाश के लिए कार्य करते हैं, तो ये जो भक्त होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो फिर उसके कारण वो भयभीत हो जाते हैं, उसके लिए वो मदद की गुहार करते हैं, मदद मांगना चाहते हैं, भगवान से रक्षा की याचना करते हैं कि अगर असुरों की शक्ति बढ़ती जाएगी तो धर्म का नाश हो जाएगा और भक्ति आगे नहीं बढ़ती, भक्ति की रक्षा। असुर राक्षसा इंडिकेट्स दैट राक्षसा विद एन असुरिक नेचर, दैट इज द नेचर ऑफ टेकिंग वे अदर्स लाइव्स नीडलेसली, इन्फ्लिक्टेड वायलेंस अपॉन द सेजेस एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। दस विभीषण तो बॉर्न इन द राक्षस रेस इज एक्सक्लूडेड हेयर, विभीषण तो धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टा। हाउएवर विभीषण इज अ धार्मिक शूर, नॉट एक्टिंग लाइक द राक्षस। देयर वर सम असुरास लाइक कबंधा हु वर आल्सो इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस, द सेजेस सबमिसिवली अप्रोच रामा विद द प्रेयर टू हैव देम किल्ड, देयर इज नो सरेंडर विदाउट सबमिशन। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, असुर राक्षसाम इस बात को सूचित करता है कि ऐसे राक्षस जो आसुरी प्रवृत्ति के, सारे राक्षस आसुरी प्रवृत्ति के नहीं, इसलिए यहाँ पे ऋषि मुनि लोग स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि आप उन राक्षसों का वध करिए जो आसुरी प्रवृत्ति, कि विभीषण भी राक्षस, राक्षस मतलब राक्षस के कुल में जो जन्म लिया है, एक तरह से जाति बोल सकते हैं, राक्षस एक जाति, जैसे मनुष्य राक्षस देवता जाति, लेकिन सारे राक्षस असुर प्रवृत्ति, प्रहलाद महाराज भी राक्षस कुल में आए लेकिन असुर नहीं, विभीषण, इसलिए विभीषण को वध नहीं करना, यानी ऐसे धर्मात्मा को छोड़। और फिर अंतिम बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ऋषि मुनि लोग हैं भगवान रामचंद्र को के पास गए समर्पण किए, तो समर्पण जो होता है वो बिना सबमिशन के नहीं होता, सबमिशन मतलब भगवान को प्रार्थना अर्पण, अपने आप को अर्प जो है भगवान के ऊपर आश्रित समझ, निर्भर समझ, भगवान का गुणगान कर और अपनी दीनता को समझ, और फिर निर्भरता समझते हुए भगवान को आश्रय मांगना, उसको बोलते हैं सरेंडर ये समय। इसी के साथ हम लोग यहाँ आज विराम करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम।